ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मुसर्रत हैं और मुमल भी हैं। तो मुसर्रत अपनी बेटी पे कैसा मेकअप करती हैं ये आपको आज हम बताएंगे। जी मुसर्रत, तो जी, आप आई मेकअप आज बताएंगे? जी आई मेकअप बता रही हूँ मैं, इनका सॉफ्ट सा आइस मेकअप बता रही हूँ कि बच्चियों के ऊपर, इस उम्र की बच्चियों के लिए किस तरह का आइस मेकअप होना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ करेंगे एक एक करके आप बताती रहें। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंसील करना है इनकी आईज़ को, वो कंसील मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, कंसील करके मैंने आई बेस लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई बेस क्यों ज़रूरी होता है? आई बेस इसलिए ज़रूरी होता है ना कि हम जो आई शेडो लगाते हैं वो टिक जाएँ, लॉक हो जाएँ। ठीक है, ओके, इसलिए आई बेस लगाना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या नाम है, शेडोज लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वाला? सबसे पहले हम लगाएंगे लाइट कलर। ठीक है, तो ये हल्का सा बेज साफ दे रही हो, है ना जी? और ये बिल्कुल मैट है, अभी इसमें जो है कोई शाइन नहीं है, कोई शाइन नहीं है। ये भी बताती रहना कि शाइन वाला कब लगाओगी, मैट कब लगाओगी। जी, शाइन वाला मैं जब लगाऊंगी मैं बताती रहूंगी। सही है, ठीक है। तो मोमल को भी मेकअप का शौक है या नहीं? जी, मोमल को माशाल्लाह बहुत शौक है और खुद करती हैं ये, आज फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। अच्छा, ओके, आज मैं फर्स्ट टाइम इनका मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, तो ये कॉर्नर्स आप बना रही हैं? बिल्कुल, बहुत ही लाइट ही शेड से मैंने कॉर्नर बनाया है ताकि इनकी आईज थोड़ी सी छोटी है तो मुझे थोड़ा सा इसको दिखाना भी है कि ठीक है, एनहांस करना है। ओके, वैसे भी फीचर्स छोटे छोटे से हैं और मोमल माशाल्लाह खुद भी मेडिकल स्टूडेंट है, तो साथ में मेडिकल के साथ में मैंने देखा आजकल मेडिकल स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि अपने ऊपर ग्रूमिंग और अपना जो है ख्याल रखने, विच इज़ रियली रियली गुड। जी, अब इसी के साथ मैं डार्क शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा डार्क शेड कॉर्नर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। सही है, ठीक है, इसी को ही आपने थोड़ा सा मैंने इन्हेंस करने के लिए इसको। अच्छा, मैंने देखा ये छोटी जो लाइक यंग गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर एकदम से कलर जो है ना वो उठ कर आ जाता है फौरन से, ज्यादा ना, है ना? जी, कलर एकदम उठता है। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ पिंक शेड इसको डल करने के लिए, मिक्स करने के लिए। और ठीक है, अब इसी को मिक्स कर रही हूँ, इसी को मिक्स कर रही हूँ मैं पिंक शेड के साथ, पिंक शेड से, लाइटर पिंक शेड से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। स्मर्ज हो जाएगा बिल्कुल और ऐसा ना लगे कि ये अलग से रखा हुआ है कोई शेड। हाइलाइटर लगा रही हूँ, ज़्यादातर मेरा फिंगर से काम करने का आदत है। अच्छा, हाईलाइटिंग इसलिए कि वैसे आईब्रोज थोड़ी सी थिक हैं तो उस पर हाईलाइटिंग कराएगी। आईब्रोज बनवाती नहीं है ये, बहुत सारी बच्चियां अच्छी बात है, पता है, कहते हैं ना बनवाएं, लड़कियों को आजकल पता है कि आईब्रोज ना बनवाएं तो बेहतर है क्योंकि वो जैसे जैसे एज होती चली जाती है तो होता है कि आईब्रोज हल्की होती चली जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली गुड आइडिया, मैं आपके साथ हूँ मोगल। And it looks nice on her, even like younger side, younger side. लगाता है, हाँ। देखो कितना अच्छा तुमने इंटेंस से एकदम लुक दे दिया है जो उसके आईब्रोज के नीचे का जो हिस्सा है ना। Very nice. अब क्या यूज करें? अब हम आईब्रोज पे डार्क शेड यूज करें, हल्का सा बस कलर, बस कलर करना है। ऑलरेडी इतनी थिक आईब्रोज हैं कि इसको मज़ीद हम शेपिंग नहीं दे सकते, शेप नहीं दे सकते। हाँ, यूजली क्या होता है कि ऐसे ही ये पाउडर हम बेस वगैरह लगाते हैं तो ये पाउडरी हो जाती है, तो इस बस साफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए बिल्कुल, या फिर आपसे ब्रश आउट कर दें उसको तो भी आपके लिए बहुत होता है। वेरी नाइस। अच्छा, तुमने जो अंदर का जो शेड था वो तुमने वही रखा है? जी, जो फर्स्ट जो तुमने शेड जो लगाया, फर्स्ट शेड मैंने आई बेस लगाया वो वही रखा, वो उसको नहीं चेंज किया। हाँ, वो मैंने चेंज नहीं किया, अभी मैं उसको चेंज करने वाली हूँ। जायबतिन का ड्रेस ऐसा है, अकॉर्डिंग ड्रेस, तो कहने में मैं उनका थोड़ा सा चेंज करूँ। क्या करूँगी इसमें, क्या लगा इसमें? मैं पिंक सा शेड देना चाह रही हूँ, पिंक और वाइट का मिक्स करूँ। ठीक है, अब आप उस पर एड ऑन करूँगी। ठीक है, तो क्या एड ऑन कर रही हूँ ये भी बता दो। ये मैं शिमर लगा रही हूँ अब इनके, तो जो लिट का कलर है उसके ऊपर हल्की सी इन्होंने शाइन जो है वो फिर
ऐड कर दी, जिससे वो बहुत अच्छा एक इंटेंस एक लुक आ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा है, वो यंग सा क्यूट सा एक लुक जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, अलग से लग रहा होता है ना कि हाँ यार ये छोटी बच्चियाँ हैं तो छोटी बच्चियों की तरह ही इनको लगना चाहिए। भर भर के मेकअप भी इनके ऊपर सूट नहीं करता। सही है। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा मैं डार्क शेड दूंगी ताकि आईज इनकी इनहेंस हो, इनहेंस हो जाए। ठीक है, वो अच्छा लगता है थोड़ा ना, वो बना बिल्कुल छोटी आँख लगती, छोटी आईज। हाँ, जिनकी बहुत बड़ी आँखें होती हैं उनके ऊपर आप बहुत डार्क लगाएं तो एकदम से और बड़ी लगने लग जाती हैं। अब मैं इनके मस्कारा करूंगी, मस्कारा के बाद लैश। ठीक है, मैंने मस्कारा कर दिया ये, अब इसके ऊपर लैश लगाऊंगी। ठीक है। अच्छा, लैश जो है वो क्योंकि यंग लड़की है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस वो अच्छी नहीं लगेंगी। कहीं जाना है तो हाँ, अपना कोई शूट करना है, आपको अपने सोशल मीडिया का शूट करना है तो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द थिंग, देन यू कैन यू नो यूज एनी सॉर्ट ऑफ लैशेस और एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप देन। बट जो थोड़ा सा डार्क शेड और आईज नीचे करो, थोड़ा सा मैं इसको इन्हेंस करने के लिए डार्क शेड थोड़ा सा और दूंगी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, लाइट सा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब लैशेस कौन सी लगा रही हैं आप? लैशेस भी दिखाएंगे आप? ये लैशेस हैं। ठीक है, सही है। देखो बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट सी लैशेस हैं ये, और क्या नाम है, ठीक है बस इनको आप लगा, ठीक है लगा दें, बस लगा दें। ऑलराइट जी, मुसर्रत ने मेकअप कर दिया है और बहुत ही प्यारी उनकी बेटी लग रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब आई को थोड़ा इंटेंस या इन्हांस करना हो तो नॉट टू मच, बट हल्का सा आपने जो है उसके मेकअप लगा कर बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। थैंक यू सो मच मुसर्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अब आप देखेंगे कैटवॉक और वो भी निदा वसीम के आउटफिट्स की। सो यू ऑल स्टे विद अस।